सीट्रोन C3 का जल्दी ही कंपनी भाई इसका टॉप मॉडल है अभी लॉन्च करने वाली। उसके अंदर ना आपको क्या चेंजेस मिलने वाले, बैक कैमरा हो सकता है आपको, साइड के ORBM वो इलेक्ट्रिक हमारे जैसे व्हील है वो आपको एलॉय के अंदर मिल जाएंगे, अभी फिलहाल सिंपल है। नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम आए हैं दो गाड़ियों का यार कंपेयर लेकर। दोनों ही गाड़ियां नई है हमारी, सीट्रोन की गाड़ी आई है, हमारा ऊपर ही सीट्रोन का ही शोरूम है। C3 गाड़ी है, एक ये हमारा व्हाइट वाली टॉप मॉडल है, ये इधर वाली हमारी बेस मॉडल। हम आपको बताएंगे अभी आपको बेस मॉडल में और टॉप मॉडल में क्या क्या फर्क मिलने वाला है और प्राइस वाइज भी इन गाड़ियों में कितना कितना आपको डिफरेंस मिलने वाला है। जो एक व्हाइट कलर है और उधर हमारा जो ग्रे कलर है, फ्रंट में हम बात करते हैं तो वो जो व्हाइट कलर है आपको अलग से ही दिखाई दे रहा होगा भाई, ये व्हाइट कलर के अंदर आपको रूफ है जो वो अलग कलर की मिल जाती है, जो टॉप मॉडल की यही पहचान है भाई, आपको अलग से रूफ मिल जाएगी। वैसे इस मॉडल के अंदर भी आपको ये मिल जाएगी रूफ, लेकिन टॉप मॉडल के अंदर आपको रूफ साथ में फोग लैंप और साइड में जो डोर की क्लाइडिंग है ना वो आपको टॉप मॉडल की पहचान करता है। मोस्टली इस गाड़ी के अंदर भी आपको रूफ मिल जाएगी जो ये मॉडल आते हैं ना सभी, लेकिन पहचान भाई मैंने बताई फोग लैंप की और वो साइड में जो डोर वारियर है वो मिलेगी, लेकिन वो इस वाले मॉडलों में आपको नहीं देखने को मिल। जो लाइट है हमारे को लाइट इसमें हमारे को फ्रंट में देखिए दो DRL मिल जाते हैं, इस वाले के अंदर हमारे जो बेस मॉडल है उसके अंदर आपको DRL नहीं मिलेंगे, सिंपल हमारी लाइट रहेंगी दोनों के ही अंदर ही। हाइलोजन बल्ब आपको मिल जाते हैं, टर्न इंडिकेटर का जो पोर्शन है दोनों का सेम रहेगा, इसका भी यहाँ पे साइड में है इधर दोनों का ही सेम आपको देखने को मिल जाता है। व्हील बेस दोनों गाड़ियों को आपको 15 इंच के व्हील बेस मिल जाएंगे, फ्रंट के ब्रेक हमारे डिस्क के अंदर बैक के ड्रम के अंदर मिलने वाले हैं। इंजन हमारे को 1200 CC इसका जो हमारे को 81 की हमारे को पावर देता है और टोरक देता है 115 की। दोनों ही गाड़ियों की 19.2 की कंपनी एवरेज क्लेम करती है, दोनों गाड़ियां 5 सीटर है। सेफ्टी वाइज हमारे को दोनों में दो एयर बैग्स आपको मिल जाते हैं, और जो भाई सेफ्टी रेटिंग की हम बात करते हैं फिलहाल ये गाड़ियों का अभी टेस्ट हुआ नहीं भाई, इस गाड़ी पर आपको सेफ्टी रेटिंग कितनी मिलने वाली है इनकी हम बात करते हैं तो फिलहाल जो ग्राउंड स्पेस भी इनका हमारे को काफ़ी अच्छा मिल जाता है। ये है हमारे जो टॉप मॉडल है उसकी साइड की प्रोफाइल, और जो बेस मॉडल है उसकी भी मैं एक बार ना आपको साइड की प्रोफाइल दिखाता हूँ। जो हमारा बेस मॉडल है उसकी साइड की प्रोफाइल आपको कुछ ऐसी देखिए देखने में प्लेन मिल जाएगी। उसकी साइड में हमारे को जो मैंने बताया था ना व्हील के ऊपर व्हील आर्क मिल जाता है, और भाई साइड में डोर पर वो डोर क्लाइडिंग मिल जाती है। फ्रंट में जो लोगो है कंपनी का सेम बोनट वगैरह हमारा सारा कुछ उसके अंदर आपको सेम पोर्शन मिलने वाला। इसके अंदर हमारे फोग लैंप नहीं रहेंगे। जो फ्रंट का बम्पर है वो आपको सिंपल ब्लैक के अंदर मिलने वाला है। इस वाले के अंदर आपको ड्यूल टोन का ऑप्शन मिल जाता है बम्पर के अंदर, और भाई जो यहाँ पर ये कंपनी का लोगो ही करके इन्होंने क्रोम की बिडिंग बना रखी ना वो एक आपको अलग स्टेप मिल जाता है। यहाँ पर सिर्फ आपको ये DRL यहाँ पे दो DRL मिल जाते हैं, नीचे फोग लैंप मिल जाता है और फ्रंट का जो सेम पोर्शन आपको वही मिलने वाला है। ऊपर इस वाले मॉडल में हमारे को रूफ रेल नहीं मिलने वाली, इसके अंदर हमारे को रूफ रेल मिल जाती है। एंटीना दोनों ही मॉडलों में मिल जाता है, हमारे रूफ पर ऐसा डिजाइन रहेगा और ये वाली रूफ पर भाई ऐसा ही आपको डिजाइन मिलने वाला है। टायर साइज हमारे देखिए दोनों के ही सेम मिलने वाले हैं, 15 इंच इसके है और 15 इंच हमारा इसका। ग्राउंड स्पेस दोनों का ही आपको सेम मिलने वाला है। आउटसाइड के हमारे मिरर है ना दोनों मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमारा ग्रे कलर, नीचे ब्लैक रहेगा रफ, और इधर वाला ऊपर ग्लोसी ब्लैक, नीचे हमारा हल्का सा रफ ब्लैक रहेगा। यहाँ पर वही बॉडी कलर के आपको बेस मॉडल के हैंडल नहीं मिलेंगे, टॉप मॉडल के आपको व्हाइट कलर जो बॉडी कलर के हैंडल है वही मिल जाते हैं। ए से लेकर सी पिलर तक भी दोनों ही गाड़ियां ब्लैक हमारे को मिल जाती है। ये है इनकी साइड की प्रोफाइल, एक बार बैक में और लेके चलते हैं आपको। 30 लीटर गाड़ी की पेट्रोल की फ्यूल टैंक कैपेसिटी रहेगी हमारी। बैक की प्रोफाइल में आपको एक बार दिखाता हूं तो बैक के अंदर हमारे को पहचान क्या रहेगी, देखिए इसके हमारे जो रिफ्लेक्टर है ना, रिफ्लेक्टर के अंदर हमारा अलग से ये एक पोर्शन ये मिल जाता है, यहाँ पे रिफ्लेक्टर ना, और इसके रिफ्लेक्टर आपके प्लेन रहेंगे भाई। वैसे जो दो पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, पीछे टेल लाइट टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, और भाई इसके अंदर आपको ये हमारा यहाँ पर कंपनी का बैजिंग, नेम की बैजिंग, टेल लाइट मिल जाती है, टर्न इंडिकेटर यहाँ पे रहेंगे, और बम्पर हमारा ब्लैक कलर का, दो ही आपको पार्किंग सेंसर दोनों गाड़ियों में आपको मिल जाते हैं। 315 लीटर का बूट स्पेस दोनों ही गाड़ियों का आपको सेम मिलने वाला है। एक बार बूट ओपन करके दिखाते हैं, ये वाली गाड़ी का ये टॉप मॉडल है, इसका बूट हम ओपन करते हैं। 315 लीटर का हमारे को बूट स्पेस इसका मिल जाता है, स्पेयर व्हील वगैरह सारा कुछ है सेम ही दोनों में रहेगा आपका। ये इधर स्पेयर व्हील जैक पाने वो मिल जाएंगे आपको, टैंक के अंदर जो बूट है ना स्पेस उसमें आपको लाइट नहीं मिलने वाली। बाकी यहाँ पर कैरी करने के लिए हुक दिया, और पार्सल ट्रे आपको इस मॉडल के अंदर मिल जाती है।
और ये वाला मॉडल है जो बेस मॉडल, आपको इसके अंदर पार्सल ट्रे नहीं मिलेगी। कैरी करने के लिए आपको ये हुक यहाँ पर भी मिल जाता है, जो वही आपका स्पेयर व्हील है, इस गाड़ी के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा। लाइट आपको यार टॉप मॉडल में भी नहीं मिलती और बेस में भी नहीं। पीछे वैसे टॉप मॉडल में वो लाइट होनी चाहिए, मे बी वो आप कमेंट्स कर सकते हो भाई। फ्यूल टैंक सेम रहेगा दोनों गाड़ियों का। यहाँ पर उसके अंदर एक चेंजेस मिल जाता है, उसके हमारे जो बटन है पावर के मिल जाएंगे, विंडो डाउन करते हैं ना, बीच में यहाँ पे रहते हैं यहाँ पे, और उसमें दो चार्जिंग के पॉइंट मिल जाते हैं इधर ही, फिक्स हेडरेस्ट रहते हैं भाई सभी ही। हैंडल बार है वो आपको नहीं मिलता, टॉप मॉडल के अंदर वो आपको हैंडल बार मिल जाएगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ग्लू बॉक्स है, स्पीकर यहाँ पे नहीं रहेंगे, चारों ही विंडो के अंदर आपको सिर्फ ये डमी मिल जाएगा। अभी एक बार उसी गाड़ी के बैक में लेके जाते हैं। यहाँ पर देखिए आपको चाइल्ड लॉक वगैरह स्पीकर आपको मिल जाते हैं, ये हैंडल चेंज हो जाता है उसके अंदर, ये हैंडल अलग रहेगा, और सीट कवर है उनका डिजाइन आपको दोनों ही गाड़ियों का अलग अलग मिल जाता है। इसका अलग रहेगा, उस वाली गाड़ी का आपको देखने को अलग मिल जाएगा। हैंडल हमारे फिक्स रहेंगे दो, आपके यहाँ पर देखिए ये चार्जिंग के लिए पॉइंट, और पीछे हमारी जो विंडो है ना उनको अप डाउन यहाँ से कर सकते हैं। वन टच के लिए हमारी चारों ही विंडो इसके अंदर मिल जाती है। यहाँ पर देखिए हैंडल बार, और भाई चारों ही हेडरेस्ट हमारे यहाँ पर फिक्स मिल जाते हैं। की देखिए मैं की दिखाता हूँ आपको, ये आपको प्लेन की मिल जाएगी, की के ऊपर हमारे को सिट्रोन का सिर्फ लोगो रहेगा, उसके ऊपर हमारा वो भी की आपको दिखाएंगे कैसी रहेगी वो की। इधर देखिए हैंडल ऊपर ब्लैक आपको मिल जाता है, वन टच अप डाउन, फ्रंट की दोनों विंडो रहेंगी भाई आपकी। यहाँ पर स्पेस स्पीकर के लिए खाली स्पेस दिया है, और बाहर का आउटसाइड मिरर है, ये हम इसको मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ अंदर का इसका इंटीरियर दिखता है, डैशबोर्ड वगैरह बूट है वो ओपन कर सकते हैं, और फ्यूल का टैंक है। पैडल रहेंगे फ्रंट का बोनट, यहाँ पर लाइट का ऑप्शन है, वो विंडो को लॉक करने का नहीं मिलेगा आपको। और जो स्टेयरिंग है इस मॉडल का आपका फिक्स मिलने वाला, जो बेस मॉडल है। म्यूजिक सिस्टम आपको इसके अंदर नहीं मिलने वाला भाई, और जो है इसके अंदर चार्जिंग का एक यूएसबी का अलग से नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे देखिए ये दो आपको एयरबैग मिल जाते हैं, और ये है ना ऑप्शन देगा आपको फिक्स रहेगा। वेंटी के अंदर आपको मिरर नहीं मिलेगा। जो स्टेयरिंग है ना, स्टेयरिंग हमारा प्लेन रहेगा, उसके यहाँ पर हमारा म्यूजिक का जो कंट्रोल है वो देखने को मिल जाएगा। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी आपको देखिए दिखा देता हूँ। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर हमारा जो डिटेल्स है ना, एवरेज की डीटीसी, प्रीपेड ट्री बी का ऑप्शन, यहाँ पर पार्किंग इंडिकेटर, सीट बेल्ट अलर्ट रहेगा हमारा, फ्यूल की वार्निंग आपको दिखा देता, साइडों में हमारे थोड़ा थोड़ा सा ये डिज़ाइन इन्होंने दिया हुआ। अब जाते हैं टॉप मॉडल पे भाई। टॉप मॉडल का यहाँ से देखिए स्पीकर आपका मिल जाता है, यहाँ पर ये हैंडल चेंज हो जाता है, और इधर हमारा ये सेम रहता दोनों के अंदर, ये अलग बटन दिया हुआ हमारा दोनों का, ये लॉक कर सकते हैं। ये हमारा भाई डिफोगर का बटन है, और भाई की हमारी है कुछ इसकी, देखिए दो इस पर लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है। इधर हमारा ये इसको उखाड़ेंगे तो सिट्रोन का क्रोम के अंदर इसके जो बैजिंग है वो मिलेगी। पैडल रहेंगे, बोनट लाइट का सेम रहेगा हमारा ये, और आपका बूट है पीछे से ओपन हो जाएगा, सिर्फ यहाँ से हम फ्यूल का टैंक ओपन कर सकते हैं। इसकी सीट है हमारी सिक्स वे में एडजस्ट आपको मिल जाती है, उसकी रहेगी हमारी फोर वे में, सिर्फ इसकी हम जो हाइट है उसको अप डाउन कर सकते हैं। अंदर का इंटीरियर देखिए, 10 इंची हमारे को यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, चार स्पीकर दो ट्विटर के साथ में, और भाई वेंटी के अंदर हमारे को यहाँ पर इसमें मिरर मिल जाता है, यहाँ पर माइक रहेगा, उसके अंदर सिर्फ माइक की कटिंग दे रखी है, ऊपर माइक नहीं रहेंगे वहाँ पे। स्टेयरिंग हमारा यहाँ पर इसका जो है टिल्ट आपको स्टेयरिंग मिल जाता है, हॉर्न रहेगा यहाँ पर हमारे म्यूजिक से रिलेटेड, ये सोर्स मिल जाते हैं, वाइपर कंट्रोल और इधर लाइट का रहेगा, और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी एक बार देखिए आपको दिखा देते हैं भाई। सेम सा आपको दोनों के अंदर ना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिल जाता, कुछ खास उसमें चेंजेस नहीं रहेंगे। यहाँ पे देखिए जो हमारा उसी के अंदर ऑप्शन मिल जाता था ना, सेम ट्री पे ट्री बी, फ्यूल वगैरह, सीट बेल्ट का अलर्ट और पार्किंग इंडिकेटर, सारा कुछ इसके अंदर हमारा ये दिखाने वाला है। जो सिर्फ हमारा म्यूजिक सिस्टम का काफी बड़ा ये चेंजेस आपको मिल जाएगा, और जो गियर वाला ना देखिए ये भी है, ये भी आपको एक चेंज उसके अंदर मिल जाता है, यहाँ पर आपको इसमें मिल जाता है टॉप मॉडल में, उसके अंदर आपको देखने को वो नहीं मिलेगा। और जो प्राइस भी है ना इनका दोनों गाड़ियों का, वो कितना कितना डिफरेंस आपको मिलने वाला वो भी भाई मैं आपको एक बार बता देता हूँ। दोनों का ना एक्स शोरूम ही प्राइस मैं आपको बताऊंगा भाई, कितने रुपए में ये गाड़ी आपको एक्स शोरूम मिलने वाली, और बेस मॉडल और टॉप मॉडल दोनों ही। बेस मॉडल का हमारा 6,16,000, और हमारे टॉप मॉडल का भाई इसका 7,38,000 हमारा इसका एक्स शोरूम प्राइस रहने वाला है भाई। प्राइस आप कंपेयर कर लेना कितना आपको फर्क मिलने वाला, क्या क्या चीज़, और डीपली से मैंने आपको बताया भी है इसके अंदर आपको ये चीज़ में डिफरेंस मिलने वाला, वो आप कन्फर्म कर सकते हो भाई। आपको कौन सी गाड़ी टॉप मॉडल लेनी है बजट में, या आपके बजट में वो वाली जा रही है, आपको थोड़े से फीचर एड ऑन करके या लुक वाइज लेनी है तो आप टॉप पे जा सकते हो। आपको चाहिए भाई ये गाड़ी लेनी है सिंपल, वो आपको ये भी मिल जाएगी। दोनों ही गाड़ियाँ भाई आपको
लुक वाइज, हाइट वाइज सारा कुछ इसमें सेम आपको मिलने वाला। वो आप सिर्फ आप बजट देख सकते हो, आपको कौन सी गाड़ी लेनी है, माइलेज सेम है, इंजन सेम है, सारा कुछ 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 जो चेंजेस थी मेजर वो मैंने आपको बता दिए भाई। ये है हमारा इस सिट्रोन C3 का भाई कंपेयर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी नई गाड़ी का रिव्यू लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, टेक केयर, बाय बाय। सिट्रोन C3 का जल्दी ही कंपनी भाई इसका टॉप मॉडल है अभी लॉन्च करने वाली। उसके अंदर ना आपको क्या चेंजेस मिलने वाले, बैक कैमरा हो सकता है आपको, साइड के RPM वो इलेक्ट्रिक हमारे जैसे व्हील है वो आपको एलॉय के अंदर मिल जाएंगे, अभी फिलहाल सिंपल है। हो सकता है उसके अंदर हमारा सनरूफ है वो भी इंप्रूवमेंट हो जाए। कुछ कुछ चीजें जो अभी आपको इसमें लगी ना, हाँ भाई वो इसके अंदर हमारी नहीं है टॉप मॉडल के अंदर, जो कुछ जैसे मेरे को ना आउटसाइड ORBM लगे दोनों के हमारे सिंपल ही रहते हैं, वो मेरे को लगा भी जैसे टॉप मॉडल है, टॉप से सेकंड है, अभी टॉप आने वाला है उसके अंदर हमारे ये ऑटोमेटिक एडजस्टेबल हमारे को मिल जाएंगे। कुछ और भी मेजर चेंजेस मिल जाएंगे वो भाई कन्फर्म वो ही कंपनी को ही पता, हमारे को भी कन्फर्म नहीं पता भाई क्या क्या चेंजेस आने वाले। फिलहाल यही है कि भाई उसके अंदर ही आपको चेंजेस मिलने वाला है। दोनों मॉडलों के अंदर आपको 1,22,000 रुपये का डिफरेंस मिल जाता है, वो आप देख सकते हो भाई। आपको बेस मॉडल लेना है 616 वाला या 7,38,000 वाला वो मॉडल लेना है